डीवी अपॉन में वी इक्वल टू ईवी इक्वल टू थ्री टाइम ऑफ डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, इक्वल टू ईवी इक्वल टू थ्री टाइम ऑफ स्ट्रेन इन डायामीटर, डीवी अपॉन में वी इक्वल टू क्या हो जाएगा ईवी इक्वल टू थ्री ई डी, थ्री टाइम ऑफ स्ट्रेन इन डायामीटर, स्ट्रेन इन डायामीटर आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए एक्सियल एलोंगेशन ऑफ द बार, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सियल एलोंगेशन ऑफ द बार, नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं एक्सियल एलोंगेशन, एक्सियल एलोंगेशन, एक्सियल एलोंगेशन ऑफ द बार, एक्सियल एलोंगेशन ऑफ द बार, बार के एक्सियल एलोंगेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पी फोर्स अपन ने यहां पे अप्लाई करा हुआ है, पी फोर्स अपन ने अप्लाई करा हुआ है बार पे, ये पी फोर्स यहां पे अप्लाई कर दिया और ये पी फोर्स अपन ने यहां पे अप्लाई कर दिया। इस पी फोर्स की वजह से कितना इलोंगेशन आपका हो गया यहां पे, पी फोर्स की वजह से इलोंगेशन कितना हुआ यहां पे एल, और ये कितना इसके अंदर है इलोंगेशन, मान लो डेल्टा एल आपका इलोंगेशन है, कितना इलोंगेशन हुआ इस पी फोर्स की वजह से, डेल्टा एल आपका इलोंगेशन यहां पे हुआ है, ठीक है। इस बार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना मान लिया अपन ने, इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना इस बार का ए है, ठीक है। सो ई की अपन बात कर रहे हैं, ई ई हो जाएगा स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा अपॉन में एल, इक्वल टू स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा अपॉन में एल। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है स्ट्रेस, पी बाई ए, डेल्टा एल अपॉन में एल क्या हो गया आपका स्ट्रेन, और स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो कितना हो जाएगा पी बाई ए हो जाएगा। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू में, सॉरी ये साइन हटेगा तो यहां पे क्या हो गया कॉन्स्टेंट आपका ई, यहां पे कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है, ई यहां पे कॉन्स्टेंट आपका आ गया। सो स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू में ई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नहीं हो गया यहां पे सिग्मा इक्वल टू कितना लिखा है अपन ने अभी पीछे, देखो सिग्मा पी बाई ए लिखा है और स्ट्रेन कितना लिखा है डेल्टा एल अपॉन में एल लिखा है, तो सिग्मा अपन ने कितना लिखा है पी बाई ए इक्वल टू ई, स्ट्रेन कितना लिखा है डेल्टा एल अपॉन में एल अपन ने स्ट्रेन लिखा है। तो यहां से देखो कितना इलोंगेशन हुआ एक बार के अंदर पी एल अपॉन में ए, ये इलोंगेशन होता है किसी बार के अंदर अगर टेंसाइल लोड लगा हुआ है, ठीक है, पी टेंसाइल लोड लगा हुआ है, बार की लेंथ अगर एल है और उस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो पी एल अपॉन में ए, इतना आपका क्या होता है इलोंगेशन होता है बार के अंदर, बार के अंदर इलोंगेशन होता है। और ये कौन सा इलोंगेशन आपका, ये इलोंगेशन है एक्सियल इलोंगेशन, कौन सा इलोंगेशन है ये आपका इलोंगेशन है एक्सियल इलोंगेशन, कौन सा इलोंगेशन है ये एक्सियल एलोंगेशन है। सो डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन में ए, ये आपका क्या है एक्सियल एलोंगेशन है, एक्सियल एलोंगेशन है। अब देखिए यहां पे डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन में ए, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन में ए, ठीक है। तो यहां पे देखिए
पी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए इंटू में डेल्टा एल आपका हो जाएगा। सो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन में एल इंटू डेल्टा एल आपका हो जाएगा। सो ए अपॉन में एल, ये जो ए अपॉन में एल है ये आपका क्या होता है ए अपॉन में एल। ए अपॉन में एल की बात करें इसको बोलते हैं एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार। ए अपॉन में एल आपका होता है एक्सियल स्टिफनेस, एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार। ए अपॉन में एल क्या होता है एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार, यही होता है। यही क्या होता है एक्सियल रिजिडिटी, यही क्या होता है आपका एक्सियल रिजिडिटी, यही आपका होता है एक्सियल रिजिडिटी। यही अपॉन में एल आपका हो जाएगा एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार। यही अपॉन में एल क्या हो जाएगा एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार एंड यही आपका हो जाएगा एक्सियल रिजिडिटी, यही हो जाएगा आपका एक्सियल रिजिडिटी। सो एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार, बार की एक्सियल स्टिफनेस कितनी होती है आपकी यही अपॉन में एल, ये बार की होती है एक्सियल स्टिफनेस और यही आपका हो गया एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी। ये अपन ने देखा है कि एक रेक्टेंगुलर बार है उसके अंदर अगर आप पी लोड अप्लाई करते हो, रेक्टेंगुलर बार है अगर उसके अंदर अगर आप पी लोड अप्लाई करते हो तो कितना इलोंगेशन डेल्टा एल आपका आता है, तो ये इलोंगेशन आपका निकल के आता है पी एल अपॉन में ही। तो ये बार आपकी कैसी है प्रिज्मेटिक बार है, मतलब इसका जो लेंथ के अलोंग इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ के अलोंग चेंज नहीं हो रहा है, लेंथ के अलोंग क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या नहीं हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन प्रिज्मेटिक बार, नेक्स्ट आपका क्या है नॉन प्रिज्मेटिक बार, नेक्स्ट आपका है नॉन प्रिज्मेटिक बार, नेक्स्ट आपका क्या है यहां पे नॉन प्रिज्मेटिक बार। किसकी बात कर रहे हैं अपन नॉन प्रिज्मेटिक बार की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो यहां पे केस वन अपन लेते हैं, केस वन अपन ले रहे हैं यहां पे नॉन प्रिज्मेटिक बार में, केस वन नॉन प्रिज्मेटिक बार, इसका मतलब क्या है कि लेंथ के अलोंग उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन लेंथ के अलोंग क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, लेंथ के अलोंग क्रॉस सेक्शन उसका क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। सो केस वन में आपकी है स्टेप्ड बार, केस वन में कौन सी बार है आपकी स्टेप्ड बार है, केस वन में कौन सी बार है आपकी स्टेप्ड बार है, ये आपकी केस वन, केस वन में कौन सी बार आपकी स्टेप्ड बार है, केस वन में कौन सी बार आपकी स्टेप्ड बार है। स्टेप्ड बार मतलब क्या हो गया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से यहां तक चेंज हो गया फिर इसके बाद में क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ये रहा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इस बार का क्या है कॉन्स्टेंट नहीं है, पहले इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है देन रिड्यूस हुआ देन वापस इंक्रीज हुआ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या है कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा पी यहां पे फोर्स लगा हुआ है, पी यहां पे फोर्स अप्लाइड है, पी पी यहां पे फोर्स अप्लाइड है। सो ये आपकी कौन सी हो जाएगी बार नंबर वन, ये बार नंबर टू और ये कौन सी हो जाएगी बार नंबर थ्री। सो इसकी लेंथ की अगर अपन बात करें तो कितनी लेंथ आपकी हो जाएगी एल वन इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी बात करें तो लेंथ कितनी हो जाएगी L2 इसकी लेंथ हो जाएगी और इसकी बात करें तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी L3 इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया A1 E1 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 E2 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा A3 E3 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका हो जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा एलोंगेशन की बात करते हैं, सो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। सीरीज के अंदर है लोड अगर अप्लाई करा हुआ है, सपोज इसके अंदर 2 mm का इलोंगेशन हुआ है,
इसके अंदर आपका 5 mm का इलोंगेशन हुआ है, इसके अंदर आपका 3 mm का इलोंगेशन हुआ है। सो टोटल इलोंगेशन में क्या करेंगे, तीनों को इलोंगेशन को अपन क्या कर देंगे, एड कर देंगे। सो टोटल इलोंगेशन की अगर बात करें, सो टोटल इलोंगेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, तीनों के इलोंगेशन को अपन क्या कर देंगे, एड कर देंगे। टोटल इलोंगेशन में तीनों के इलोंगेशन को अपन क्या कर देंगे, एड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे अगर पी लोड यहाँ पे लगा हुआ है, सीरीज के अंदर बाहर है, कैसे बाहर है ये, सीरीज के अंदर बाहर है आपके। सो अगर इसके ऊपर पी लोड लगा हुआ है तो इस पर भी पी आएगा, इस पर भी आपके पी लोड आएगा, और इस पर भी कितना लोड आएगा आपका, पी लोड इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस तीन के ऊपर पी पी लोड, इनके ऊपर सबके ऊपर कौन सा लोड आएगा, पी पी आपका लोड आएगा। सो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा, तो इसका एलोंगेशन आपका कितना हो गया, डेल्टा एल वन अपन लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, पी फोर्स आएगा लेंथ एल वन अपॉन में ए वन इंटू में ई वन। अगर बात करें इसके एलोंगेशन की, सो डेल्टा एल टू कितना हो जाएगा आपका, पी इंटू एल टू, पी इंटू एल टू अपॉन में ए टू इंटू ई टू आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें डेल्टा एल थ्री की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, डेल्टा एल थ्री, तो कितना हो जाएगा, पी ऑफ एल थ्री अपॉन में ए थ्री इंटू ए थ्री आपका हो जाएगा। सो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा अगर अपन बात करें डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री आपका हो जाएगा। सो टोटल डेल्टा एल आपका कितना हो जाएगा, पी एल वन अपॉन में ए वन इंटू में ई वन प्लस पी एल टू अपॉन में ए टू इंटू में ई टू प्लस पी एल थ्री ए थ्री इंटू ई थ्री। ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एल आपका हो जाएगा, ये आपका डेल्टा एल हो गया, पी एल वन अपॉन में ए वन ई वन प्लस पी एल टू ए टू ई टू प्लस पी एल थ्री अपॉन में ए थ्री ई थ्री अपॉन में ए थ्री ई थ्री। ये क्या हो जाएगा, टोटल डेल्टा एल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें केस टू की, नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, केस टू। ये केस वन हो जाएगा आपका स्टेप्ड बार, केस वन कौन सा था आपका, स्टेप्ड बार था। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं केस टू की, जिसमें कौन सा बार आपका, सर्कुलर टेपर्ड बार है केस टू। केस टू में आपका कौन सा बार है, ये सर्कुलर टेपर्ड बार है। कैसा बार आपका, ये सर्कुलर टेपर्ड बार है, सर्कुलर टेपर्ड बार है आपका, ये कौन सा बार है, सर्कुलर टेपर्ड बार है आपका। सर्कुलर टेपर्ड बार की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर टेपर्ड बार। तो यहां पे देखो, ये जो बार है आपका, ये ऐसे चेंज हुआ है, डी वन, ये क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर टेपर बार का मतलब क्या है, एक सर्कुलर बार है जिसका डायमीटर आपका कांस्टेंट नहीं है, डायमीटर जो बार का धीरे 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 कांस्टेंटली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां का डायमीटर डी वन है और यहां का डायमीटर कितना आपका, जी टू है। ये लेंथ आपकी कितनी है, एल इसकी लेंथ है, ये लेंथ आपकी कितनी है, एल इसकी लेंथ है, ठीक है। ये P यहाँ पे लोड लगा हुआ है, P यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका, लोड लगा हुआ है बार पे, P बार के ऊपर क्या लगा हुआ है, लोड बार पे P लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे अपन ने क्या करा, इस पे क्या निकालना है अपने को, इस पे अपने को एलोंगेशन निकालना है कि जो ये P लोड लगा हुआ है, इस P लोड की वजह से जो ये सर्कुलर टेपर्ड बार है, जो सर्कुलर टेपर्ड बार है, इसके अंदर इलोंगेशन आपका कितना हुआ है, इसके अंदर इलोंगेशन आपका कितना हुआ है, इस पी लोड की वजह से। ये इलोंगेशन अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये इलोंगेशन अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इस पी लोड की वजह से कितना आपका हुआ है इलोंगेशन, ठीक है। तो देखो इस पी लोड की वजह से अपन बात करें, सो कितना आपका इलोंगेशन यहां पर हुआ है,
तो देखो अब यार ये कॉन्स्टेंट तो है नहीं, तो डायरेक्टली अपन पी एल अपॉन में ए ही लिखे, पी एल अपॉन में ए ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है देखो डेल्टा एल आपका कितना होता है, पी एल अपॉन में ए ही होता है, लेकिन ये बार आपकी कॉन्स्टेंट, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कॉन्स्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एरिया इसका कॉन्स्टेंट नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन ने अक्ष डिस्टेंस पे, यहां से अक्ष डिस्टेंस पे, लेफ्ट हैंड से अक्ष डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसिडर करा है, और उस एलिमेंट का जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना आपका dx, उसकी थिकनेस है, उस एलिमेंट की जो मोटाई है थिकनेस कितनी dx है, और यहां पे इस एलिमेंट का जो डायमीटर है वो कितना अपन ने लिया है dx, इस एलिमेंट का क्या है डाया है, इस एलिमेंट का जो डाया है वो कितना आपका यहां पे gx, इस एलिमेंट का डाया है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट के एरिया की अपन बात करते हैं, तो एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू, पाई बाई फोर इंटू में डायमीटर कितना है डीएक्स है, ये आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, पाई बाई फोर इंटू में डीएक्स स्क्वायर, इस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा। अब ये डीएक्स अपने को कैलकुलेट करना है, ये डीएक्स कितना है आपका, तो देखो यहां पे डीएक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे देखिए डीएक्स अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका हो गया यहां पे, सो डीएक्स कितना हो जाएगा, ये एरिया कितना, ये कितना डायमीटर आपका, देखो ये डी वन है, ये पूरा ये एरिया आपका कितना है, सॉरी ये डायमीटर आपका कितना है डी वन है, तो टोटल अगर आपको डीएक्स डायमीटर चाहिए तो कितना हो जाएगा डी वन प्लस ये एंड प्लस ये, टोटल डीएक्स ही है, तो डी वन प्लस ये डाया प्लस ये डाया, ठीक है। अब देखो यहां पे यहां पे ये अपने को और कैलकुलेट करना है, इस डाया को, ये जो डायमीटर इसको मैं मान लेता हूं कितना y मान लेता हूं मैं, जितना ये है उतना ये है, तो ये y और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल लगा दो यार, क्या कर दो सिमिलर ट्राइंगल लगा दो, किस किस में, ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, तो बड़ा ट्राइंगल की ये वैल्यू कितनी है, देखो ये पूरी कितनी है, यहां से यहां तक डी टू है, इस डी टू में से डी वन घटा दिया, तो ये इस डी टू में से यहां तक कितना आपका ये डी वन है, ये D1 है, सो तो ये कितना बच गया फिर, ये बाकी का पोर्शन D2 माइनस D1 बच गया, ये और ये दोनों मिला के, तो A कितना हो जाएगा D2 माइनस D1 बाई हाफ हो जाएगा ना, आधा आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका D2 माइनस D1 अपॉन में हाफ हो जाएगा आपका, ये D2 माइनस D1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो वाई अपन कैलकुलेट करते हैं, वाई सिमिलर ट्राइंगल लगा के अपन ने क्या करा यहां पे, वाई कैलकुलेट करा है, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, तो देखो वाई अपन कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल डीएक्स आ जाएगा फिर डी वन प्लस टू टाइम ऑफ वाई, देखो यहां पर जो टोटल डीएक्स है, टोटल डीएक्स आपका कितना है डी वन प्लस टू टाइम ऑफ वाई, यही क्या आपका टोटल डीएक्स है, डीएक्स इक्वल टू कितना है डी वन प्लस टू टाइम ऑफ वाई, यही आपका क्या है टोटल डीएक्स है। ये आपका क्या है टोटल डीएक्स है, ठीक है ना। सो dx इक्वल टू टू टाइम ऑफ y, अब अपने को क्या करना है y यहां पे कैलकुलेट करना है, अब अपने को क्या करना है यहां पे y कैलकुलेट करना है, ठीक है।
अपने को वाई वाई अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए वाई अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो वाई वाई की अपन बात करते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल अपन लगा देंगे, छोटा वाला ट्रायंगल एंड बड़ा वाला ट्रायंगल। तो देखो बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर अपन लगाएंगे तो कितना हो गया, d2 माइनस d1 का हाफ, ये टोटल यहां से यहां तक जो लेंथ है ये कितनी आपकी l, यहां पे लेंथ है। सो d2 माइनस d1 अपॉन में l, ये लगाया अपन ने बड़े वाले ट्रायंगल में। छोटा वाला ट्रायंगल में ये y है और ये लेंथ कितनी आपकी x है, y अपॉन में x। तो यहां से आपका जो y है ये y कितना निकल के आ जाएगा, यहां से d2 माइनस d1 अपॉन में 2 टाइम ऑफ l इंटू में x, ये आपका क्या निकल के आ गया, y आपका निकल के आ गया यहां से d2 माइनस d1 इंटू में x अपॉन में 2l। अब देखो टोटल जो dx डायमीटर है, dx डायमीटर आपका कितना है, d1 प्लस 2 टाइम ऑफ y। तो देखो dx कितना हो गया डायमीटर आपका, d1 कितना आ गया, ये d1 आपका निकल के आ गया, d1 तो आपका ऑलरेडी है ही ना 2, y आपका ये निकल के आ गया d2 माइनस d1 अपॉन में 2 टाइम ऑफ l इंटू में x, ये 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो अगर बात करें dx की, सो dx आपका यहां पे देखो कितना हो गया, dx d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन में l इंटू में x, ये आपका हो जाएगा dx आपका हो जाएगा, ये d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन में l इंटू में x, ठीक है, ये आपका dx हो गया, ये आपका क्या हो गया dx आपका यहां पे निकल के आ गया, ठीक है। ये dx डायमीटर अपने निकाल लिया, मेन काम अपना यही निकालना था। अब देखो एलिमेंटल dx कितना आ गया आपका, d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन में l इंटू में x, ये आपका क्या हो गया dx। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं एलिमेंटल इलोंगेशन, नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंटल इलोंगेशन की अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंटल इलोंगेशन। सो एलिमेंटल इलोंगेशन आपका कितना हो जाएगा, p इंटू में dx अपॉन में ax इंटू में e, p इंटू dx अपॉन में ax इंटू में e, ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंटल इलोंगेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन ने क्या मान लिया, इसको अपन ने क्या मान लिया, k मान लिया अपन ने, dx इक्वल टू d1 प्लस k इंटू में x, dx इक्वल टू d1 प्लस k इंटू में x आपका हो जाएगा, ठीक है। सो एलिमेंटल इलोंगेशन की अपन बात कर रहे हैं, एलिमेंटल p इंटू में dx कितना हो जाएगा, d1 प्लस k इंटू में x, x कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू में dx का स्क्वायर, सो d1 प्लस k इंटू में x का स्क्वायर इंटू में e, ये हो जाएगा एक एलिमेंट जो dx का एलिमेंट लिया था अपन ने, ये इसका उसका इलोंगेशन है, ये उसका इलोंगेशन है। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से l तक इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, 0 से l तक अपन क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये आपका क्या है यहां पे dx है ना, ये तो यहां पे देखो ये क्या है, p इंटू में dx स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे अपन, dx के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो एलिमेंटल इलोंगेशन आपका जो आया है टोटल, यहां पे k किसको माना है अपन ने, k माना है d2 माइनस d1 अपॉन में l, इसको क्या मान लिया अपन ने, k इसको मान लिया।
एलिमेंटल इलोंगेशन की अगर अपन बात करें, एलिमेंटल इलोंगेशन की बात करते हैं, सो एलिमेंटल इलोंगेशन आपका कितना हो जाएगा? एलिमेंटल इलोंगेशन, एलिमेंटल इलोंगेशन आपका कितना हो जाएगा? 4PL पाई D1 D2 इंटू में ई, ये आपका क्या हो जाएगा? एलिमेंटल इलोंगेशन हो जाएगा 4PL पाई D1 D2 इंटू में ई, ये आपका हो जाएगा एलिमेंटल इलोंगेशन 4PL पाई D1 इंटू D2 इंटू में ई। नेक्स्ट बात करते हैं केस थर्ड की, केस थर्ड आपके क्या हो जाएगा? केस थर्ड, रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार ऑफ कांस्टेंट थिकनेस। केस थर्ड क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार ऑफ रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार ऑफ टेपर बार ऑफ कांस्टेंट थिकनेस, रेक्टेंगुलर टेपर बार ऑफ कांस्टेंट थिकनेस, रेक्टेंगुलर टेपर बार ऑफ कांस्टेंट थिकनेस। रेक्टेंगुलर टेपर बार ऑफ कांस्टेंट थिकनेस ये हो गया आपका, ठीक है। ये इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? B1 इसकी विड्थ हो जाएगी, B1 P यहां पे फोर्स लगा हुआ है और यहां पे कितना फोर्स? PP यहां पे फोर्स आपका लगा हुआ है, यहां पे PP आपका, यहां पे क्या लगा हुआ है? फोर्स आपका लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये डिस्टेंस यहां से कितनी हो जाएगी? अक्ष डिस्टेंस पे किसकी बात कर रहे हैं अपन? अपन बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार ऑफ कांस्टेंट थिकनेस। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार ऑफ कांस्टेंट थिकनेस। थिकनेस मोटाई इसकी कांस्टेंट है, मोटाई इसकी कांस्टेंट है, ठीक है, बट विड्थ इसकी चेंज हो रही है। यहां पर विड्थ B1 है, यहां पर इस एंड पे विड्थ इसकी B2 है। इस एंड पे जो विड्थ है वो कितनी है? B2 इस एंड पे विड्थ है, इस एंड पे विड्थ B1 है और इस एंड पे विड्थ कितनी है? B2 इस एंड पे विड्थ है। B1 एंड B2 इन एंड पे क्या है? विड्थ है, ठीक है। थिकनेस की बात करते हैं, टी थिकनेस की बात करते हैं अपन, है ना। थिकनेस कितनी है? टी इसकी थिकनेस है। अब देखो यहां पे एक एलिमेंट अपन ने कंसिडर करा है, एक एलिमेंट अपन ने कंसीडर करा है और इस एलिमेंट की यहां की जो विड्थ है, यहां की B1 है और यहां की B2 है, इस एलिमेंट की विड्थ मान लिया कितनी? Bx। इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो विड्थ कितनी मान ली एलिमेंट की अपन ने? Bx इस एलिमेंट की विड्थ अपन ने मान लिया। कितनी विड्थ मान लिया एलिमेंट की? Bx अपन ने विड्थ मान लिया एलिमेंट की, ठीक है। एल यहां पे हो गया। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं? Bx। अब देखो Bx जो पहले अपन ने निकाला था सेम ही तरीका निकालने का, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। Bx अगर अपन निकालें तो Bx क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2 माइनस B1 अपॉन में 2 टाइम ऑफ L इंटू में X। ये अपन ने क्या निकाला? Bx अपन ने निकाल लिया, B2 माइनस B1, यहां पे L यहां पे नहीं आएगा ना, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? B2 माइनस B1 अपॉन में 2 इंटू में X।
सो बी एक्स अगर अपन निकालें तो बी एक्स यहां से कितना हो जाएगा, बी वन प्लस बी टू माइनस बी वन को क्या मान लिया, के अपन ने मान लिया इंटो में एक्स, ये आपका क्या निकल के आ गया, यहां से आपका ये बी एक्स निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, यहां से आपका बी एक्स निकल के आ गया, बी एक्स इक्वल टू बी वन प्लस के इंटू में एक्स, बी एक्स इक्वल टू बी वन प्लस के इंटू में एक्स, ये आपका निकल के आ गया। सो के यहां पे क्या है, के यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बी टू माइनस बी वन, बी टू माइनस बी वन अपॉन में टू, बी टू माइनस बी वन अपॉन में टू। सो बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी वन प्लस के इंटो में एक्स, के इक्वल टू हो जाएगा बी टू माइनस बी वन अपॉन में टू, ये क्या हो जाएगा यहां पे। सो एलिमेंटल एलोंगेशन की अपन बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अब, एलिमेंटल एलोंगेशन की अपन बात करते हैं, एलिमेंटल एलोंगेशन। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंटल एलोंगेशन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एलिमेंटल एलोंगेशन, एलिमेंटल एलोंगेशन, एलिमेंटल एलोंगेशन की अपन बात कर रहे हैं। सो एलिमेंटल एलोंगेशन आपका कितना हो जाएगा, पी इंटू में डी एक्स, पी इंटू में डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू में ही, ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंटल एलोंगेशन आपका हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे देखो p इंटू में dx तो क्या है, तो उसकी थिकनेस है, उसको क्या करेंगे, जीरो से l तक क्या कर देंगे, एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू में t होता है तो bx एक्स इंटू में थिकनेस t इंटू में ई, ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंटल एलोंगेशन आपका हो जाएगा p इंटू में dx अपॉन में bx एक्स इंटू में t इंटू में ई, ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंटल एलोंगेशन आपका हो जाएगा। तो देखो यहां पे bx की जगह क्या रख देंगे अपन, p इंटू में डी एक्स, पी इंटू में डी एक्स, बी एक्स की जगह बी वन प्लस के इंटू में एक्स, पी इंटू में डी एक्स, बी वन प्लस के एक्स इंटू में टी इंटू में ई। सो टोटल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन, जीरो टू एल टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा, जीरो टू एल पी इंटू में डी एक्स अपॉन में बी वन प्लस के एक्स इंटू में टी इंटू में ई, ये हो जाएगा टोटल इलोंगेशन, पी इंटू में डी एक्स अपॉन में बी वन प्लस के एक्स इंटू में टी इंटू में ई, ये आपका हो जाएगा टोटल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन। सो डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एल अपॉन में बी टू माइनस बी वन, टी इंटू में ई, पी एल बी टू माइनस बी वन टी इंटू में ई, एल एन, एल एन, एल एन बी टू अपॉन में बी वन, डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एल अपॉन में बी टू माइनस बी वन इंटू टी एल एन बी टू अपॉन में बी वन, ठीक है। सो डेल्टा इक्वल टू पी एल बी टू माइनस बी वन टी इंटू में एल एन बी टू अपॉन में बी वन, नेक्स्ट बात करते हैं केस फोर, केस फोर डेल्टा पी एल बी टू माइनस बी वन टी इंटू में ई एल एन, ये आपको याद रखना है, ये किसके लिए, ये रेक्टेंगुलर टेपर बार के लिए जिसकी थिकनेस क्या है, कॉन्स्टेंट है, रेक्टेंगुलर टेपर बार जिसकी थिकनेस क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कितना हो जाएगा, पी एल बी टू माइनस बी वन टी इंटू में ई एल एन बी टू अपॉन में बी वन। केस फोर की अपन बात करते हैं, केस फोर क्या है, कंपोजिट बार, केस फोर आपका क्या है, कंपोजिट बार, केस फोर आपका कौन सा है, कंपोजिट बार, केस फोर आपका है कंपोजिट बार, केस फोर आपका कंपोजिट बार है।
ठीक है, केस फोर की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंपोजिट बार का मतलब क्या हो गया? कंपोजिट बार का मतलब सिंपल सा हो गया कि जो बार है एक से ज्यादा आपके वहां पे क्या है, बार है, एक से ज्यादा बार है, ठीक है, बार आपके क्या है एक से ज्यादा है, ठीक है, और वो कैसे पैरेलल के अंदर अरेंज है। कंपोजिट बार का मतलब क्या हो गया, बार आपके एक से ज्यादा है और वो कैसे अरेंज है, पैरेलल के अंदर आपके बार क्या है, अरेंज है। सो कंपोजिट बार की अगर अपन बात करें तो देखो कैसे बार आपके हो जाएंगे, इस टाइप का आपका बार है, ठीक है, ये आपका कंपोजिट बार है। यहां पे आपका कितना पी लोड आपका लगा हुआ है, कितना पी लोड आपका यहां पे लगा हुआ है, और इधर भी आपका पी लोड आपका लगा हुआ है, पी लोड आपका लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा एरिया ए वन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई वन, एरिया ए टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा आपका ई टू, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, ठीक है। ये जो लेंथ है ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, एल आपकी यहां से यहां तक लेंथ हो जाएगी, एल आपकी यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ये पहला बार है और ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा बार है, तो दो कंपोजिट बार है। अब इसमें इलोंगेशन की अपन बात करते हैं, इसमें इलोंगेशन की अपन बात करते हैं, कितना आपका इलोंगेशन रहेगा। पहले बार का जो एरिया है वो ए वन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका ए वन है, दूसरे बार का एरिया ए टू है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी कितनी है, ई टू है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी कितनी है, ई टू है। सो डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू। अब अगर बार आपकी कंपोजिट है तो इनमें इलोंगेशन दोनों में क्या रहेगा, साथ ही इलोंगेशन रहेगा भाई। जितना अगर आप खींच रहे हो ऐसा तो है नहीं कि एक आपका ज्यादा खींच जाएगा और एक आपका कम खींच जाएगा, तो दोनों जो आपके दोनों में इलोंगेशन आएगा, दोनों में इलोंगेशन कैसा आएगा, साइमल्टेनियसली दोनों में इलोंगेशन आपका आएगा। इलोंगेशन दोनों में कैसा आएगा, साइमल्टेनियसली आपका दोनों में इलोंगेशन आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पे, सो डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू, दोनों में इलोंगेशन क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा यार, अगर पैरेलल के अंदर है सो दोनों बार के अंदर इलोंगेशन आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा आपका हो जाएगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, इक्वेशन नंबर वन। अब देखो पी फोर्स यहां पर लगा हुआ है, अब देखो अगर पैरेलल के अंदर है तो ये बार कुछ लोड लेगी पी वन और ये बार कितना पी टू आपका लोड लेगी, तो टोटल लोड कितना आपका पी आपका लोड है, सो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी वन प्लस P2 आपका क्या हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा, P इक्वल टू पी वन प्लस पी टू आपका क्या हो जाएगा, टोटल लोड आपका हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर वन और ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर टू आपकी हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर वन एंड ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। सो डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू, डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू बराबर करना अपने को, तो देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू अपने को बराबर करना है तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा इक्वल टू कितना होता है पी एल अपॉन में ही, पी वन एल वन अपॉन में ए वन ई वन इक्वल टू पी टू एल टू ए टू अपॉन में ई टू, ये हो जाएगा आपका यहां पे। अब यहां पे देखो L1 और L2 तो क्या है, बराबर है दोनों, लेंथ दोनों की क्या है, बराबर है ना, सो L1 इक्वल टू L2, ये क्या हो जाएगा आपका L, लेंथ दोनों की बराबर है तो ये L1 से L, L1 एंड L2 आपका क्या हो गया, कैंसल आउट यहां पे हो गया, ठीक है। सो यहां पे देखिए P1 जो लोड है आपका, P1 आपका लोड है बार वन में कितना हो जाएगा आपका, P2 अपॉन में ए टू ई टू इंटू में ए वन ई वन, ये आपका क्या हो जाएगा, पी वन लोड हो गया आपका पी टू ए वन ई वन अपॉन में ए टू ई टू, ठीक है, ये आपका कौन सा लोड आ गया, पी वन आपका यहां पे लोड आ गया। अब इस पी वन लोड को पुट इन इक्वेशन टू, पुट इन इक्वेशन टू, इसको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन टू के अंदर अपन क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन टू में, इसको
पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन टू आपका क्या है, P इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, इक्वेशन टू आपकी यही है ना, P इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। सो पी वन कितना हो जाएगा, पी टू, पी टू ए वन ई वन, ए वन ई वन अपोन में ए टू ई टू, प्लस क्या हो जाएगा आपका ये पी टू। तो यहां से देखिए डेल्टा वन या फिर डेल्टा टू वो आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा वन और डेल्टा टू आपका यहां से कितना हो जाएगा, पी टू इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, ये आपका हो गया। तो यहां से देखिए डेल्टा टू की अगर अपन बात करें, डेल्टा टू इसमें रखा अपन ने, तो यहां से अपन पी टू कैलकुलेट कर सकते हैं, पी की टर्म में पी टू आ जाएगा, यहां से सिंपल है, पी की टर्म में यहां से क्या आ जाएगा, पी टू आ जाएगा। तो देखो पी इक्वल टू पी टू ए वन ई वन अपॉन में ए टू ई टू, प्लस इसमें आप एलसीएम ही ले लो ए टू ई टू, तो ये क्या हो गया प्लस पी टू ए टू ई टू, पी टू ए टू ई टू। तो यहां से अपन क्या करेंगे, पी टू अपन कैंसिल ले कॉमन ले लेंगे, सो पी टू कितना आ गया यहां से, पी टू, पी टू यहां से कितना आ जाएगा, पी टू की वैल्यू कितनी होगी, पी इन टू ए टू ई टू, पी इन टू ए टू ई टू अपॉन में ए वन ई वन प्लस ए टू ई टू, ये आपका हो जाएगा पी टू, पी टू इक्वल टू पी इंटू ए टू ई टू अपॉन में ए वन ई वन प्लस ए टू ई टू, पी इंटू ए टू ई टू अपॉन में ए वन ई वन प्लस ए टू ई टू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।